नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत और नेपाल में बढ़ी बाघों की संख्या, भारतीय सेना में पहली महिला खिलाड़ी, छत पर उगा सबसे बड़ा खेत, विश्व विक्रमी बच्चों का पहला जन्मदिन, वुडपेकर की प्रजाति फिर से मिली। भारत में बाघों की संख्या दुगनी हो चुकी है, नेपाल में दर्ज हुई है उनकी विक्रमी संख्या। लेते हैं ज्यादा जानकारी। सिर्फ 10 साल पहले जंगली बाघ विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जंगलों में अनुमानित 1,00,000 बाघ थे, लेकिन 2010 में जंगलों में वैश्विक बाघों की संख्या सिर्फ 3,200 रह गई थी और उनकी ऐतिहासिक सीमा घटकर केवल 5% रह गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली सबसे दुर्लभ में से एक बनकर रह गई थी। सीमा के पार बाघों का अवैध शिकार, लोगों के साथ संघर्ष और आवास विनाश के कारण उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ता था। हालांकि बातें बदलनी शुरू हो गई हैं। बाघों ने भारत, नेपाल, भूटान और रूस सहित कई देशों में आश्चर्यजनक वापसी की है। 2009 के बाद नेपाल ने अपनी जंगली बाघों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया है। भारत के कुछ हिस्सों में भी बाघों की दोगुनी आबादी का आंकड़ा हासिल किया गया है। हरियाणा की सुमी पहली महिला धावक है जिसका चयन भारतीय सेना पुलिस बल के लिए हुआ है। सेना के क्रीड़ा विभाग और सेवाओं के मिशन ओलंपिक्स में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ते हुए पहली बार एक महिला खिलाड़ी को सैन्य पुलिस कोर में एक सैनिक के रूप में नामांकित किया गया है। 400 मीटर की दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुमी सेना में भर्ती होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। सुमी हरियाणा से ताल्लुक रखती है और अब उन महिला सैनिकों में शामिल होंगी जो पहले से ही सेना पुलिस में शामिल हो चुकी हैं। सुमी अगले एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सेना की मदद से प्रशिक्षण लेंगी। सेना पुलिस में एक खिलाड़ी के रूप में सुमी के नामांकन के साथ अब ऐसी और महिला एथलीट्स के लिए सेना में शामिल होने और देश के लिए पदक जीतने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। छत पर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खेत पेरिस में है, आइए देखते हैं। छत पर की जा रही खेती का एक उदाहरण पेरिस में स्थापित हो रहा है। रूफटॉप प्लांटेशन यानी छत पर वृक्षारोपण का ये नमूना दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप फार्म होगा। वर्तमान में पेरिस के दक्षिण पश्चिम इलाके में निर्माणाधीन ये फार्म लगभग 14,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। इस बागान में 30 विभिन्न पौधों की प्रजातियों को उगाया जा सकता है। उच्च मौसम में यह खेत प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम फल और सब्जी का उत्पादन करेगा। इस क्षेत्र की देखभाल करेंगे 20 माली। इस नई कल्पना की एक अच्छी बात यह है कि इस खेत में सिर्फ जैविक खेती के तरीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इस फार्म का अपना ऑनलाइन रेस्तरां भी होगा जिसमें लगभग 300 लोगों की क्षमता होगी। ये हवाई भोजनालय राजधानी के मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करेगा। मेन्यू में इस खेत पर उगाए जाने वाले मौसमी उत्पाद होंगे। दुनिया के पहले एक साथ जन्मे 9 बच्चों ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया। विश्व विक्रम स्थापित करने वाले ये बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। दुनिया में पहली बार एक साथ जन्म लेने वाले 9 बच्चों ने मोरक्को में अपना पहला जन्मदिन हाल ही में मनाया है। इन बच्चों के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब दर्ज है। उनके पिता मलियन सेना में एक अधिकारी अब्दुल कादर अरबी ने बताया कि सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन 9 बच्चों का जन्म 4 मई 2021 को हुआ था और अब उन्होंने एक ही साथ में जन्मे और एक साल तक जीवित रहने वाले सबसे अधिकांश बच्चों के होने का एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। पिछला रिकॉर्ड 2009 में यूएसए के नादिया सुलेमान उर्फ ऑक्टोमॉम से पैदा हुए 8 बच्चों के नाम था। विलुप्त समझे जाने वाली वुडपेकर पक्षी की एक प्रजाति हाल ही में दिखाई दी है, वो भी 78 साल के बाद। जिसे 1944 में विलुप्त घोषित किया गया था, ऐसी वुडपेकर पक्षी की एक खास प्रजाति फिर से जंगलों में पाई गई है। इस दुर्लभ प्रजाति को अमेरिकी सरकार ने विलुप्त घोषित किया था, लेकिन हाथी दांत जैसे चोंच वाले ये वुडपेकर वास्तव में अभी भी जीवित हैं।
लुइसियाना के जंगल में इन्हें हाल ही में देखा गया है। आइवरी बिल्ड वुडपेकर के नाम से जाने जाने वाली इस प्रजाति की खोज करने के लिए पक्षी तज्ञों का एक समूह कई दिनों तक जंगल की सैर कर रहा था। काफी समय बिताने के बाद इसकी तस्वीरें लेने के लिए मानव रहित ट्रेल कैमरे स्थापित किए गए और एक ड्रोन का उपयोग भी किया गया। एक समय था जब ये पक्षी आम थे और कैरोलिना से दक्षिण पूर्व अमेरिका और टेक्सास तक पाए जाते थे। ये अमेरिका के सबसे बड़े वुडपेकर थे या हैं, जिनकी सर पर एक विशिष्ट लाल शिखा है। वे अक्सर मृत पेड़ों की छाल में जमा हुए कीड़े खाकर जीते हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।